महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बनी एमवीए में सहमति। जाने कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, किसको मिली कौन सी सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी। बात करेंगे चुनावों की। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों दलों के प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया। एमवीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहा वो आपको बताते हैं। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगा तो वहीं 10 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चलिए अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि यूबीटी का कौन सा दल कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना की। उद्धव की शिवसेना को गठबंधन में सर्वाधिक 21 सीटें मिली है। ये 21 सीटें कौन कौन सी है एक नजर इन सीटों पर डाल लेते हैं। ये सीटें हैं मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पूर्व, जलगांव, परभणी, नाशिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, हाथकणगले, संभाजीनगर, शिरणी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, वासिम। वहीं कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के हिस्से 17 सीटें हैं। ये 17 सीटें हैं मुंबई, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक, उत्तर मुंबई, नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नादेड़ और जालना। वही एनसीपी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो आपको बताते हैं। एनसीपी के कोटे में 10 सीटें आई हैं। ये सीटें हैं बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, ढिंडोरी, अहमदनगर, दक्षिण माड़ा, रावेर, वर्धा और बीड़। आपको बता दें कि सीट बंटवारे का ऐलान करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि हम सभी साथ में हैं, कोई मतभेद नहीं है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी यही दोहराया और कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। मैंने जो तड़ी पार नारा दिया था उसे पूरा करना है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ी पार करना है तो जनता कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के महाराष्ट्र की रैली को भी निशाने पर लिया और कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे हैं बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि भाजपा के एक नेता की आलोचना कर रहे हैं। कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नेता भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो अच्छी बात नहीं है और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश की प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है। 2024 का चुनाव 7 चरणों में होगा जो कि 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए 5 चरणों में वोटिंग होगी जिसमें पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर की सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना है जिस दिन रिजल्ट आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।